आफ्टर हैविंग हैड सो मैनी फ्रेंडशिप्स इन माई लाइफ यू डोट नीड सो मैनी फ्रेंडशिप्स इट्स पॉइंटलेस इट्स पॉइंटलेस आपको जेनविनली लोग जो आप इंजॉय भी करोगे और आपको पसंद भी होंगे अपनी जिंदगी में रखना भी चाहोगे वो बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही रेयर होते हैं और वहीं पर आपको और भाई क्या हाल चाल कैसी ये बहन यहाँ पर एक लड़की की प्रॉब्लम आई है लड़की ने लिखा है हाउ टू डील विथ लोनलीस कोई हो बात कोई हो बात करने के लिए बेसिकली साथ में लाइफ में तो इससे कैसे डील करें अगर हम ऐसी स्टेज में हैं जहाँ पे माई लाइफ में कोई है नहीं हमसे बात करने को अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है इंस्टाग्राम पे जाओ अपनी प्रॉब्लम लिखो एट मैनसूत्रा बाकी आप एक किताब पढ़ सकते हो किताब पढ़ सकते हो आप ठीक है अब हम बात करने वाले लोनलीनेस की सो so, देखो यहाँ पे लोनलीनेस जब हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पे कंसिडर करना है लाइफ में फेजेज होते हैं कुछ फेजेज में एज अ रिज़ल्ट या फिर एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ एम्बिशन लोनलीनेस या फिर अलोन्स एक कॉन्सिक्वेंस बन जाता है एक कॉन्सिक्वेंशल स्टेट बन जाती है जिसमें आपको रहना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो जिसकी वजह से आप जिसके लिए आपको बारह घंटे से दस घंटा ठोक के पढ़ना पड़ता है आप पढ़ते हो खूब ज़्यादा हो सकता है उसमें आपकी दोस्ती वोस्ती पर आपका ध्यान भी ना हो और आप ना सोच रहे हो और इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो किसी से भी दोस्ती क्योंकि आपका पूरा फोकस एक टनल विजन की तरह है आप घुसे हुए उस चीज़ में और आपको निकालना ही निकालना है तो आपको यहाँ पे समझना है कि हाँ अगर आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपकी लाइफ में ये चल रहा है कि कोई गोल है आप और खुद भी विलिंगली आप घुसे हुए हो उसमें तो आई डोंट थिंक उस टाइम पीरियड में हो सकता है आपको इतना ज़्यादा फर्क पड़े कि आपके कोई इतनी सोशल सर्कल नहीं है आपका कोई दोस्त नहीं है या यू नो आपके पास कोई बात करने को नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा फेज़ लोगों की लाइफ में आता है इन द ट्वेंटीज़ जहाँ पर उनको लगता है मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं है ये एक डिल्यूजनल थिंकिंग का पार्ट है क्योंकि अभी हुआ क्या है तुम्हारी लाइफ में करंटली कनकरेंटली भी एक चीज चल रही है जो कि एक्चुअल में तुम्हारी पूरी अटेंशन और फोकस डिमांड करती है तो तुम एक्चुअल में बिजी हो तो तुम्हें इसलिए सोशली होने की जरूरत नहीं पड़ रही एक ना एक दिन तो वो खत्म हो जाएगा ना लाइफ टाइम तो नहीं चलने वाला ना कोई भी चीज कोई भी चीज लाइफ टाइम नहीं चलने वाली सक्सेस भी ना उसका भी एक फॉर्मूला होता है जब तुम एक लेवल पे फोड़ देते हो फिर तुम एक ऐसे प्लेटियो में यू यू प्लेटियो योरसेल्फ टू अ डिग्री जहां पे वो चीजें फिर उतनी हार्श और इतनी डेंजरस ग्राइंड वाला सीन नहीं रहता तभी तुम देखोगे जितने भी मल्टी मिलेट्स या फिर बिलेनेट्स या फिर काफ़ी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी फैमिलीज़ भी होती हैं अपने बच्चे से भी बात करते हैं अपने बच्चे के साथ भी टाइम बिताते हैं सब कुछ करते हैं वो क्योंकि वो जो हसल उनको ट्वेंटीज़ में करनी पड़ी या फिर अपने थर्टी फाइव तक जो करनी पड़ी जिसमें उनको वो बनाना था मेक इट और ब्रेक इट वाला जब वो उस चीज़ से आगे निकल गए फेस को उन्होंने जब कर लिया तो उनको एक हल्की सी स्टेबिलिटी मिल गई और फिर वो स्टेबिलिटी आपको अफोर्ड करती है एक टाइम आपकी फैमिली के लिए एक टाइम आपको एक अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने की जहां पे सडनली ये लोन बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है सोशल कंफर्ट इमोशनल कंफर्ट इमोशनल रिलेशनशिप सोशल रिलेशनशिप्स ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं और ये डायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं आपकी हैप्पीनेस पे एक्चुअल में ठीक है आपकी हैप्पीनेस में क्योंकि एक चीज समझ लो लेट्स से तुम्हारे पास तुमने बहुत मेहनत करी तुमने कमा लिए दस करोड़ रुपये या पाँच करोड़ या एक करोड़ रुपए लेकिन तुम कम्प्लीटली अकेले हो अपनी जिंदगी में तुमसे ढंग से लाइक हाँ ऑफिस में कुछ लोग हैं बट वो अक्वेंटेंसेज हैं ठीक है वो ऑफिस रिलेशनशिप्स हैं हाँ नाम जानते हो तो बहुत लोग होगा बट अगर तुम शाम को जब घर आते हो तो हमारे पास फ़ोन पर एक कॉल भी नहीं आता जो भी आ रहे हैं वो ऑफिस मेल्स आ रहे हैं ऑफिस टेक्स आ रहे हैं और तुम बस बैठे हो पॉइंट ये एक टाइम पर तुम सोचोगे कि पॉइंट किया था सब कुछ करने का यानी इतना कुछ कमा भी लिया लेकिन ये शेयर किसके साथ करूँ आई हैव नो बडी टू शेयर दिस विद तुम ये चीज़ समझो तुम्हारे बॉडी में तुम्हारे दिमाग में इंस्टिंक्टिवली कुछ चीज़ें लोडेड हैं क्योंकि तुम एक सोशल एनिमल हो तुम अगर एक सोशल प्लेस पे जा रहे हो चाहे पब हो बार हो रेस्टोरेंट हो कुछ भी हो तुम दूसरों को नोटिस करते हो तुम अगर कभी परफॉर्म कर रहे हो तुम्हें कहीं स्पीच देनी है प्रेजेंटेशन देनी है तो तुम चाहते हो सामने वाला मेरे को एडमायर करे और एक्नॉलेज करे ये सारी तुम यह चीज़ देखोगे सोशल डिमांड्स हैं छोटी सी सिचुएशन होती है कई लोग होते फोन में बात कर रहे होते हैं बट थोड़ा सा तेज़ बात कर रहे होते हैं क्योंकि अगर वो कुछ अच्छी बात कर रहे हैं तो चाहते हो दुनिया सुने समझना है सब देखना छोटे छोटे सोशल क्यूज तुम्हें इतनी जगहों से मिलेंगे तो तुम्हें दिखेगा इससे कि इंसान एक्चुअली सोशली कितना बुरी तरह से ना चाहते हुए भी ऑलमोस्ट इंस्टिंगटिवली इन्वेस्टेड है जब तुम ओकेजेंस में किसी स्पेशल या फिर नॉर्मली भी अगर तुम्हारी आदत है जब ड्रेसअप करते हो या फिर ढंग से बाहर निकलते हो तो यूर डूइंग इट इन अ सेंस बिकॉज यू आर अवेयर देर आर पीपल अराउंड यू सो इन सेंस यू आर पार्टिसिपेटिंग इन सोशल डायनेमिक्स पॉइंट तक एक चीज को आप ले जा सकते हो जहां तक आपकी एक लेवल ऑफ एंड्योरेंस है एक टाइम आएगा कि टिपिंग पॉइंट वो हिट करेगा और जहां वो टिपिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ सैचुरेशन के बाहर जाता है फिर वो चीज इंटॉलरेबल हो जाएगी फिर वो चीज का आपको रियल इफेक्ट और रियल वैल्यू दिखने लगेगी अपनी जिंदगी में और आप सोचोगे ये क्या हो रहा है ये क्यों हो रहा है एक रीज़न है बहुत ज़्यादा लोग बहुत बकवास करते हैं शादी ना करने की या फिर कूल होने की ऑलमोस्ट आई वुड से ट्वेंटी फाइव तक पता नहीं कितनी तगड़ी परसेंटेज होगी अगर कोई सर्वे करे लोगों से पूछे शादी करें तो कहेंगे वह शादी हम तो जिंदगी भर अकेला रहना चाहते हैं अकेले रहेंगे अकेले रहेंगे और तुम देखोगे थर्टी तक उनके या थर्टी टू तक बच्चे हो चुके होते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आता है वही इंसान जो एक टाइम पर हंड्रेड अपने दिमाग में अपने आपको बोल रहा था अपने अगल बगल सबको बोलता है ना ना शादी तो मैं कभी नहीं करूंगा और मैं खुश हूँ मैं तो अकेले खुश हूँ अच्छी खासी जॉब है सारी सैलरी मेरे पास आती है मैं अपने कमरे में अकेला रहता हूँ अपने बैठ के गेमिंग करता हूँ मैं एक कमरे में बैठा रहता हूँ ना लैपटॉप है मेरे को इंटरनेट चाहिए मेरी जिंदगी निकल जाएगी ये हम अपने दिमाग में रखते हैं बट सच क्या आपका वो टिपिंग पॉइंट हिट नहीं किया है आप उस जगह पर नहीं पहुंचे हो अभी आपकी जिंदगी में देर टू मेरी थिंग्स इन विच शायद तुम्हारी एम्बिशन तुम्हारे कंपेटेटिव ड्राइव और उसके बाद अदर परपस ऑफ योर लाइफ अभी इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और वो अभी दे हैवन मेट देयर कंक्लूजन तो वो तुम्हें ड्राइव कर रहे हैं बट एक पॉइंट आएगा बिलीव मी अगर तुम ड्रिवन हो तो वो चीजें तुम्हें मिल जाएंगी काफी हद हाँ तक एंड देन दे वुड बी एक्चुअली ओवर टू अ डिग्री दे वुड बी ओवर बिकॉज दैट ग्राइंड जो हसल या जो साइको लेवल पे तुम काम कर रहे थे उसकी तुम सडनली देख रहे हो नीड नहीं है थिंग्स आर स्मूथ नाउ थिंग्स आर रनिंग कोई ऐसे मुझे फाड़ने की जरूरत नहीं है फिर जो मुझे एक टाइम पे करना पड़ता था इवन दो आई स्टिल हैव टू लर्न न्यू थिंग्स बट वो मैं एक आराम से एक You know, बड़े ही स्लो पेस्ट या स्लो रेट में सीख सकता हूं स्लोली एंड स्टडली और वो तब भी मिल जाएंगे मुझे आई डोट है जो ट्वेंटीज में कर रहा था मैं हासिल या ट्वेंटीज में जो मैं ऑप्सेसिवली वर्क कर रहा था मुझे करने की जरूरत है ट्वेंटीजा बिकॉज अगर आप ट्वेंटीज में कर ले रहे हो तो आप थर्टीज तक ऑलमोस्ट आप अपने लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देते हो एक पेडिस्टल क्रिएट कर देते हो जिसमें आप अ पेडिस्टल ऑफ स्टेबिलिटी लेजे राइट फिर आती है आपकी एक्चुअल नीड लाइफ में सोशल होने की तो यहाँ पे आपको मैं बात करना चाहता हूँ जो लोग हैं लट्स ए नॉर्मली लाइफ में बहुत काम के यह किया लेकिन आप फील करते हैं यार हाँ यार कोई है नहीं दोस्तों से अच्छी बात नहीं हुई या फिर आप कभी आपने आदत नहीं डाली लोगों से बात करने की तो आपको लगता है ओ मैं लोनली हूँ या मैं किसी से बात नहीं कर पाता है मैं सोशली ऑकवर्ड हूँ और आपने आपको इन टैग्स और लेबल्स ले लेके अपने आप को और बांध रहे हो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है द लैंग्वेज वी यूज़ इन आर माइंड दैट ऑल्सो ट्रैप्स आवर थिंकिंग एंड आर एक्शंस अगर आप डिक्लेयर कर रहे हो ऑन डेली बेसिस इंटरनेट पे लोगों के तो मैं तो हूं सोचली तो बात ही नहीं होती किसी की तुम क्या कर रहे हो यूर ऑल्सो कन्विंसिंग योर ओन ब्रेन मैं कहूंगा ठीक है भाई दैट्स अ क्लेम टू मी आई डोंट थिंक तुम्हें टेस्ट किया किसी ने वॉट ढंग से आई डोंट थिंक तुमने कभी जिस लेवल पे प्रिपेयर किया अपनी डिग्री के लिए जिस लेवल पे तुमने प्रिपेयर किया सक्सेस के लिए या फिर जिस लेवल पे सक्सेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तुमने इस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में अभी उसका वन परसेंट भी डाला है सो वॉट एंड हाउ आर यू मेकिंग दिस कंक्लूशन क्यों बट क्रूल cool लगता है अफोर्ड कर सकते हैं अभी और यही जो हम अभी बकवास कर रहे हैं ये जब हम लेट्स ट्वेंटी एट के हो जाएंगे तो हमें लगता है ये सच है हमारे बारे में और मैं इनकेपेबल हूं किसी चीज से करने में और मेरे को पैनिक अटैक आ रहे हैं फिर एनजाइटी अटैक आ रहा है बिकॉज मैंने कन्विंस कर दिया अपने दिमाग में मैं केपेबल ही नहीं हूं किसी इंसान से सोशल सिचुएशन में बात करने के पहले आपको फ्री होना है अपने दिमाग में ऑफ एनी फकिंग डेक्लेन्स जो कि आप अपने आप को देते रहते हो बेस्ड ऑन योर फियर्स फियर्स हम सबकी लाइफ में अलग अलग एरिनाज में अलग अलग एस्पेक्ट्स में एग्जिस्ट करते हैं वी ऑल डील विद डिफरेंट वेरियस टाइप्स ऑफ फियर्स इट्स अंडरस्टैंडेबल तुम अकेले नहीं हो पहली चीज ठीक है दूसरी चीज आई आपको अगर किसी से सोशलाइज करना है दैट डज नॉट मीन आपको एक स्नेक पिट में कूदने को कोई कह रहा है दैट डज नॉट मीन डू द मोस्ट एक्सट्रीम वर्जन ऑफ सोशलाइजिंग जिसको देख के तुम्हारे दिमाग में एकदम पैनिक अटैक आ जाए फिर एंगजाइटी अटैक आ जाए नो यू स्टार्ट विद द मोस्ट रिमोट या मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ सोशलाइजिंग यानी कि एक किसी इंसान से जिससे तुम्हारी ऑलरेडी बात होती है तुम टच में हो तुम कूल हो उस इंसान से आओ उसको अब खुद से टेक्स करना स्टार्ट करें यानी कि हे लेट्स मीडअप यार क्या कर रहा है बिकॉज हमारे अंदर एक जो चीज है हम भूल जाते हैं उसे कहते हैं इनिशिएटिव रिलेशनशिप्स की फाउंडेशन होती है एक इंसान कितना इनिशिएशन या इनिशिएटिव लेता है द फाउंडेशन कमिंग फ्रॉम एन एक्सट्रोवर्ट द रूट ऑफ गुड रिलेशनशिप्स या सस्टेनेबल रिलेशनशिप्स इज दिस मैं पंद्रह साल से देखो मैं कुछ चीजें अपनी लाइफ की मैंने शेयर नहीं करी हैं लेकिन हमारा कुछ चीज़ हम करते थे अपनी लाइफ में जिसमें हमें बहुत जरूरी होता था कि इंसान से बहुत जल्दी क्लोज हो मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ लड़कियों की सबकी बात कर रहा करूँ कि हमें तुरंत किसी से क्लोज होना है तो उसके पीछे एक चीज़ समझ लो एक चीज़ मैंने जो फिगर आउट करी थी हमेशा से कि दैट इज़ नॉट नेचुरल कोई नेचुरल अकरेंस नहीं हो सकता इसमें आप एकदम से बहुत क्लोज हो जाओ किसी इंसान के कि आप ऑलमोस्ट बेस्ट फ्रेंड बन गए दैट हैज़ टू बी फोर्स्ड इन अ वे राइट दैट कंपैटिबिलिटी हैज़ टू बी फोर्स्ड एंड आई रियलाइज द सीक्रेट बिहाइंड दैट वॉज इनिशिएशन व टू टेक इनिशिएटिव विद रिगार्डलेस उस इंसान का रिस्पॉन्स क्या क्या आ रहा है आई एम टॉकिंग अबाउट फोर्स रिलेशनशिप जहां पर होती है जिसमें और मैं बता रहा हूँ हम लोग बहुत सक्सेसफुल होते थे मैं अकेला नहीं करता हम सब फ्रेंड्स करते थे ठीक है एंड वी आर वेरी सक्सेसफुल इन इट और मैं आपको तब से बता रहा हूँ मैं अभी तक ट्राई करता आ रहा हूँ आई आई कैन फॉर्म वेरी गुड रिलेशनशिप विद अलॉट ऑफ पीपल वेरी क्विकली बट क्या होता है एक पहली चीज होती है फर्स्ट इंप्रेशन आप फर्स्ट इंप्रेशन आप कितना सॉलिड पहले बात में करते हो जस्ट से दैट आप सोशली ऑकवर्ड तो आपके फर्स्ट इंप्रेशन आउट ऑफ टेन पीपल तीन लोगों के साथ जिनके साथ आपकी कॉम्पेटिबिलिटी बढ़िया बनती है आपका नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं ठीक है आउट ऑफ टेन आप टेन नहीं मार सकते साथ भी नहीं मार सकते लेट्स से सिर्फ थ्री है इट्स फाइन लाइफ में थ्री ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो ह्यूज एक्चुअली में और आपको एक्चुअली में टेन चाहिए भी नहीं दैट अनदर थिंग आई एम टेलिंग यू आफ्टर हैविंग हैड सो मेनी फ्रेंडशिप्स इन माई लाइफ यू डोंट नीड सो मेनी फ्रेंडशिप्स इट्स पॉइंटलेस इट्स पॉइंटलेस आपको जेनविनली लोग जो आप इंजॉय भी करोगे और आपको पसंद नहीं होंगे अपनी जिंदगी में रखना भी चाहोगे वो बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही रेयर होते हैं और वहीं पे आपको बिल्ड करना है हैं रिलेशनशिप तो अगर आपको दो लोग भी हैं आपकी लाइफ में व्हाट यू हैव टू स्टार्ट डूइंग इज नॉट डेक्लेन्स बट उन पे फोकस करके कहो कि ओके यार क्या कर रहे हो जब फ्री हो कॉल करना होता क्या है कई बार रिलेशनशिप डेड इसलिए होते हैं क्योंकि ना वो टैक्स कर रहा है ना ये टैक्स कर रहा है एक्चुअली मिलना दोनों चाहते हैं खाली दोनों घर में बैठे हैं टाइम दोनों के पास है और जब टाइम स्पेंड करेंगे दूसरे के साथ या फिर बैठ के आप बाहर घूमते हो या फिर कहीं जाते हो कहीं पर तो आपको दोनों को अच्छा फील होता है कि हाँ यार हैंगआउट मारा बढ़िया लगा या फिर आज बियर भी आँ� बीर बढ़िया लगा दोस्तों के साथ लेकिन हमारे अंदर इतनी ऑकवर्डनेस है कि हम किसी को टैक्स ना करें या फिर हम किसी को इन्वाइट नहीं कर सकते क्योंकि हमें यही नहीं लगता ना क्योंकि हमने तो डिक्लेरेशन दे रखे थे बड़े बड़े कि तो सोशली पॉसिबल ही नहीं है लेकिन आप इस अजम्पशन में बैठे हो कि सामने वाला मना कर देगा या हाँ कहेगा या यू you नो know, हो सकता है उसका मन ना हो ये सब हैं सो इनिशिएशन में सिंपल सी बात क्या है तुम कोई चक्कू मारने के लिए उससे नहीं कह रहे हो तुम नहीं कह रहे हो कि भाई फायर पिट में कूदना है हम सब जाएंगे आग में कूदते हैं चलोगे मेरे साथ नहीं तुम एक सिंपल चीज पूछता लेट्स हैंग लेट्स हैंग आउट तो अगर इंसान ना भी कहते रहे कोई बुराई नहीं है उसमें दोस्त और सच बताऊंट टेन आउट ऑफ एट टाइम्स आई वुड से लोग हाँ ही कहेंगे बिकॉज टू बी ऑनेस्ट एंड टू बी ट्रूथफुल पीपल वी आर सोशल एनिमल्स हम चाहते हैं हमसे कोई पूछे बाहर मिलने को वी फील ग्रेट वेन पीपल आस्क अस आउट मैं लाइफ में इतने ज्यादा लोग हैं जिनसे शायद एक एक दो बार मिलाऊंगा मैंने उनको कहा है यू नो सिर्फ फोन फोर बात करी मैंने कहा मिलें आउट ऑफ नो वेयर अगर मैं क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं काफी लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो कि अलग अलग कंट्रीज में हैं और मैं जब भी होता हूँ मैं कहता हूँ सीधे मिलो मेरे को जब भी होता है मतलब मैं, मैं वेट भी नहीं करता कि टैक्स पे बात करें मैं कहूँ जब भी फ्री हो जस्ट गिव मी अ कॉल एंड पीपल समटाइम्स आर सरप्राइज बट देन मैं देखता हूँ जब बात होती है इट्स नॉर्मल एंड पीपल इट मोर और हम लोग इसलिए और ज़्यादा क्लोज ज़्यादा जल्दी आ पाते हैं बिकॉज आई टेक इनिशियटिवस आई डोंट वेट फॉर द अदर पर्सन टू टेक इनिशियटिवस आई डोंट केयर क्या करोगे के ज़्यादा नहीं तो कहोगे कह तो नहीं रिजेक्शन आर फकिंग नॉर्मल और ये तो एक्चुअली रिजेक्शन में, में नहीं है तुम्हें क्या पता हो सकता है वो एक्चुअल इंसान की जिंदगी में एक्चुअली में कुछ चल रहा हो वो एक्चुअली में बिजी हो और बहुत बार ये होता है कुछ लोग कहते हैं यार आज नहीं हो पाएगा आज मैं यहाँ पे बिजी हूँ ये हूँ कल करते हैं परसों करते हैं यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीबडी वॉन्ट्स टू चाहता है हर इंसान सोशली कनेक्ट करना दूसरों से वैल्यू हम भी वैल्यूड फील करते हैं ना कि इंसान हमें इन्वाइट करे हमारे साथ मिलने को कह रहा है वी फील काइंड ऑफ कि हाँ यार इसमें वाओ आई एम वर्दी फॉर दिस पर्सन कि ये चाहेगा हैंग आउट करना तो कोई अगेंस्ट नहीं है इसके तो आपको सोसाइटली अपने वर्स एज्शन पहले दूर करने हैं सेल्फ डिक्लेरेशन फालतू के मार देने हैं और तीसरा आपको इनिशिएटिव या इनिशिएशन एक्चुअल वर्ड है नॉट इनिशिएटिव इनिशिएशन पे वर्क करना है यू हैव टू इनिशिएट टेक्स्ट्स यू हैव टू इनिशिएट इन्विटेशन यू हैव टू इनिशिएट कॉल्स यू हैव टू टेक एक्शन कोई भी चीज घर बैठे भगवान तो आके देने वाले नहीं है दोस्त आपको कहीं कही ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा मैं कहूँगा सबसे बेसिक फॉर्म में सबसे छोटे में स्टार्ट करते हैं बेबी स्टेप्स और मैं आपको कहूंगा जब आप खुद देखोगे ना चीज़ें वर्क कर रही है मैं बस कहूंगा उनको मल्टीप्लाई करो और लोगों के साथ भी ट्राई करो सो so, आप किसी को अगर इनवाइट करते हो अगर आप लेट्स एर यूर गर्ल क्योंकि लड़की ने पूछा आपके ऑफिस में हो सकता है कोई इंसान हो जिससे आपकी नॉर्मली बात होती है आप टेक्स करते रहते हो अभी अभी ऑफिस अक्वेंटेंसी है बट आप ऑफिस में दो लो लोग कूल हो ठीक है इनवाइट हर आउटसाइड क्या हो यार सुनो इफ यूर फ्री यू नो वन आट हैंग आउट कभी चलोगे तो तुम खुद देखोगे जब एक बार बाहर जाओगे उससे सोशल सेटिंग में मिलोगे और वो जब चीज़ सक्सेसफुल होगी ना यू विल फील ग्रेट यूल फील वाओ दिस वॉज दिस एक्चुअली वर्क एंड अ ग्रेट टाइम फिर तुम वो चीज़ दूसरे इंसान के साथ भी ट्राई कर सकते हो और उस इंसान से कहो कि लेट्स डू दिस यू नो हर महीने में एक बार करते हैं और फिर क्या होगा ना जब महीने में तुम करोगे धीरे दे धीरे फिर वो भी तुम इन्वाइट करने लग जाएंगे चीज़ों में दूसरे लोग तुम्हें दूसरी चीज़ों में इन्वाइट करेंगे फिर तुम्हारा धीरे धीरे तुम यू नो सोशली दूसरे लोगों के साथ आने लग जाते हो एक्स्ट्रा वर्ड नहीं बनना देर इज नथिंग ग्रेट अबाउट बींग एन एक्ट्रोर्ट एम वो बी वेरी ऑनस्ट विथ यू ये जो हमारा माइंड सेट होता है ना मेरे लगता है कि एक्स्ट्रोर्ट्स आर हैंग द टाइम ऑफ दर लाइफ नहीं भाई देर एज मिजरेज यू आर इन मेनी एस्पेक्ट्स और इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ठीक है जस्ट बिकॉज किसी इंसान कोई नॉर्मली लोगों से बातें कर लेते हैं दट डजन मीन हर इंसान से उसकी बढ़िया रिलेशनशिप है ये सब एजम्शंस तुम अपने दिमाग में ड्रॉ कर रहे हो ठीक है जितने लो, ज्यादा लोगों से बातें कर रहे हो यानी वो उतने ज्यादा ऐसा लोगों से भी मिल रहा है उतनी ज्यादा उसकी चांसेस भी बढ़ी हैंडवाटेज ऑफ पीपल टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट पर्सन उससे ज्यादा चांसेस मिले हैं स्क्रूइंग हिम ओवर एज वेल दुनिया में सेल्फिशनेस इज आई वुड से द मोस्ट प्रोमिनेंट मोटिवेशन दैट पीपल हैव तो आप कितने लोगों से मिल भी रहे हो तो यहाँ पे इट्स नॉट लाइक हर इंसान दिल खोल के तुम्हें कह रहा है आ मेरे घर के अंदर मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ नहीं भाई इंसान अपने मोटिवेशन सेल्फिशनेस से ही दिखता है चीज़ों को सो so, दैट्स वाई एम सेग तुमने ऑलरेडी अपने आप को बचा लिया है बहुत ज़्यादा ऐसी मोटिवेशन से एंड यू आर ओनली इन कॉन्टैक्ट और टच विद पीपल जो कि कूल cool लगते हैं तुम्हें हु आर नाइस टू यू टेक एडवांटेज ऑफ दैट ऑल यू हैव टू डू इज डू द थिंग दैट विल वर्क हो गया इनिशियेटिव जस्ट एक टैक्स से स्टार्ट करो विद अ सिंपल टेक्स्ट ओके एंड उस चीज को रोकना मत दैट्स द थिंग